दिन गुजर रहा है, घंटे गुजर रहे हैं, सेकंड दर सेकंड वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग खत्म नहीं हो रही है। इधर ताइवान और भारत को लेकर चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच दुनिया में कई सालों बाद पहली बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री की ताजा रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या 12,705 हो गई है। भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला पाकिस्तान और चीन मिलकर तेजी से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021 से जनवरी 2022 के बीच परमाणु हथियारों की संख्या में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब मजबूत देश परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सिप्री के डायरेक्टर विल्फ्रेड वान ने कहा है कि यूक्रेन में हमला शुरू करने से ठीक 3 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने परमाणु बल को हाई अलर्ट पर कर दिया था। ये जानना बेहद जरूरी होगा कि किन देशों के पास फिलहाल कितने परमाणु हथियार हैं। सिप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु बम हैं, यानी दुनिया की सबसे परमाणु ताकत रूस के पास है। दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, जिसके पास अभी 5,428 परमाणु बम है। चाइना के पास 350, इंडिया के पास 160 और पाकिस्तान के पास परमाणु बमों की संख्या 165 है। वहीं फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 और इसराइल के पास 90 परमाणु बम है। इस रिपोर्ट में चीन को लेकर भी डराने वाली चेतावनी दी गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन अब बहुत तेजी से अपने परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफा कर रहा है। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष हिंदी डिजिटल।